नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जांगिड़। एक बार फिर से आपके साथ सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अपन राजस्थान हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे और राजस्थान हिस्ट्री के बारे में अपन ने टॉपिक चला रखा था 1857 की क्रांति। तो पिछली वाली क्लास में दोस्तों अपन ने महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी कि 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण तथ्य अपन ने पढ़े थे कि कहाँ कहाँ की रियासत, जैसे बीकानेर रियासत की अपन ने बात की, जयपुर रियासत की अपन ने बात की, बूंदी रियासत की अपन ने बात की, यहाँ यहाँ पर जो जो विद्रोह हुआ उसका महत्वपूर्ण कारण क्या था, असफलता के कारण क्या थे, ये सारी डिटेल से अपन ने चीजें पढ़ी है। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको क्लियर कर दिया था। सभी ऑनलाइन आ चुके हैं दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी ऑनलाइन आ चुके हैं दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून। दोस्तों बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा सा स्पीड धीरे रखा करो, तो बिल्कुल दोस्तों आज से स्पीड धीरे रहेगी, धीरे धीरे बोलूंगा, धीरे धीरे से बात करेंगे और धीरे ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आपकी समस्या का जो समाधान है वो बिल्कुल किया जाएगा, तेज नहीं पढ़ेंगे आज। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून। जो सभी ऑनलाइन आ चुके हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहले आते ही आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। पिछली वाली क्लास में दोस्तों मुझे बहुत खुशी हुई कि आप बाहर बाहर से, कोई बच्चा सीकर से है, कोई उत्तराखंड से दोस्तों लीव ले रहा है, वहां पर रह रहा है, वहां पर कोई जॉब वॉब कर रहे हैं बाहर और वहां से स्टडी कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है दोस्तों जब आप बाहर से देखते हैं। सभी तरह के अपने लोग हैं दोस्तों, कोई कोटा से भी है, कोई बूंदी से भी है, कोई सीकर से, कोई गंगानगर से है, कोई बीकानेर से। तो अपना संयुक्त रूप से जो ग्रुप बना हुआ है इसका नाम भी वैसा ही है, आपको पता होगा अपने ग्रुप का नाम क्या है, सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार। तो बिल्कुल दोस्तों सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में ऐसे ही जुड़े रहें और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें हमको। चलिए तो दोस्तों आज नए टॉपिक के साथ अपन बात करने वाले हैं। नए टॉपिक को आपको दिख नहीं रहा होगा, पहले वो ज्यादा ऊपर लिख रखा है मैंने। अपन बात करेंगे दोस्तों आज किसान आंदोलन के बारे में। किसके बारे में? किसान आंदोलन के बारे में। देखिए अब किसान आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो ये कि इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो दोस्तों जिसमें किसान आंदोलन आते ही है, आरएस से लेके दोस्तों जो राजस्थान में जो सबसे निम्न श्रेणी का जो एग्जाम भी होगा ना उसमें किसान आंदोलन सिलेबस में रहता ही है। चाहे प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान ये रहे नहीं रहे, लेकिन किसान आंदोलन रहता है आपके हिस्ट्री में। जो ये पहाड़ है किसानों के आंदोलन का, जो हिस्ट्री रही है इनकी, क्या क्या हिस्ट्री रही है, क्या कारण रहे, ये अपन सब बातें करेंगे। ठीक है, तो अपना नया टॉपिक है दोस्तों आज। सभी ऑनलाइन आ जाइए, सभी को क्लास में बहुत मजा आने वाला है आज की। मैं जितना भी पढ़ेंगे मजे वैसे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो तो सबसे पहली बात दोस्तों, आंदोलन क्या होता है? कोई पर्सनल व्यक्तिगत, अगर मान लो कोई चीज अपनी पर्सनल चीजों के लेके लड़ रहा है तो क्या वो आंदोलन कहलाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक संपूर्ण यानी कि संपूर्ण जाति, एक पर्टिकुलर एक जाति दोस्तों जिसके साथ अत्याचार हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, तो दोस्तों एक उभर के निकलता है कि ये अत्याचार और शोषण हम सहन नहीं करेंगे, और सारे मिलके दोस्तों एक लीडरशिप निभा के एक आंदोलन करते हैं दोस्तों उस जिसके कारण वो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जिसके कारण वो परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर उसका दमन करने के लिए दोस्तों एक लीडरशिप बनाई जाती है और उसके लिए आगे आते हैं सभी लोग। तो वो क्या छिड़ जाता है, एक आंदोलन छिड़ जाता है दोस्तों। मैंने आपको एक बच्चे ने पहले भी मुझसे क्लियर किया था कि आंदोलन और विद्रोह के बारे में अलग अलग, तो मैंने वहां पर भी आपको बताया था। आप हमारी पिछली क्लासों में भी जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं, आपको लिंक मौजूद मिलेंगे, आप क्लिक कीजिए, हमारे हिस्ट्री की पुरानी क्लासें मिलेगी और उसमें आपको डिटेल से समझाएगा कि आंदोलन क्या होता है, विद्रोह क्या होता है। मैंने आपको, एक बच्चे ने पूछा था, मैंने वहां पर भी क्लियर किया था। ठीक है दोस्तों, तो आंदोलन आपको समझ में आया क्या हो? अब यहाँ पर एक वर्ड और जुड़ा हुआ है, किसान आंदोलन, यानी कि ये आंदोलन किनका था? किसानों का था। किसान जो भाई है जो उनके साथ जो अत्याचार हो रहे थे, जो वहां के जागीरदार रह रहे थे। देखो क्या होता है कि 1857 की क्रांति हुई अपनी, 1857 की क्रांति क्या हो गई? फेल हो गई, क्योंकि दोस्तों एक स्वतंत्र संग्राम चल रहा था वो उस टाइम, क्योंकि सभी के साथ अत्याचार हो रहा था, अंग्रेजों से सब परेशान हो रहे थे, जो अंग्रेजों की जो गुलामी थी वो कोई भी सहन नहीं कर पा रहा था। अब 1857 की क्रांति तो क्या हो गई दोस्तों? असफल हो गई। अब इसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता गया दोस्तों, 1800 के टाइम आ गया, मतलब 1857 के समय के पहले, इसके बाद समय आ गया दोस्तों लगभग 57 हो गया, 1857 से 1880 का टाइम आ गया, 1880 85 97 ये टाइम आ गया। अब यहां पर क्या हो गया दोस्तों कि सबसे ऊपर कौन,
अपन जैसे बात करें सबसे ऊपर कौन है दोस्तों, ये अपना जैसे मान लो राजस्थान है, ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान है अपना, अच्छे से बन गया राजस्थान, अच्छे से बना लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों मान लो यहाँ पर कोई राजा है, सब जगह रियासतों में राजा बैठे हुए हैं, ठीक है, ये राजा है यहाँ पर, इस जगह राजा है, ये रियासत है राजस्थान की और यहाँ पर राजा बैठे हुए हैं। अब दोस्तों इन सबका नियंत्रण, एक दूसरे का नियंत्रण हर राजा से रहता ही है, ठीक है दोस्तों, इनका सभी का नियंत्रण रहता है, ये अजमेर सेंटर मैंने बना दिया, और इन सबका नियंत्रण किससे रहता है दोस्तों, अंग्रेजों से। यानी कि इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, राजाओं को कंट्रोल कौन कर रहा है दोस्तों, राजा को कंट्रोल कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे, यानी कि अंग्रेज सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, और इसके बाद में कौन आएंगे दोस्तों, राजा। अब रियासतें में एक ठिकाने रहते थे जिनको अपन जागीर भी बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं दोस्तों, जागीर बोलते हैं। अब ठिकाने में कौन रहता है दोस्तों, ठिकानेदार रहता है, कौन रहता है, ठिकानेदार या जागीरदार, जागीर रहती है उसमें, जो मेन बड़ा जो एक एक लीडर रहता है, जो मेन राजा रहता है वहां का, जागीर का, तो उसको क्या बोलते हैं, जागीरदार बोलते हैं या ठाकुर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, ये चीजें। अब दोस्तों आप डायरेक्ट मान सकते हो कि अगर मान लो जागीरदार किसानों को शोषण करेगा, उनके अत्याचार से अत्याचार करवाएगा, शोषण करेगा, उनको परेशान करेगा, तो दोस्तों ये किनके कारण कर रहा है, ये राजा के कहने के कारण कर रहा है। अब राजा ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अंग्रेज कहलवा रहे हैं, यानी कि मेन टारगेट कौन था दोस्तों, अंग्रेजों का किसानों के प्रति क्या है दोस्तों, एक अत्याचार हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, ये चीज आपको क्लियर हुई, मैंने यहाँ पर आपको इतनी सी चीज बताई है कि सबसे ऊपर कौन दोस्तों, अंग्रेज। 1857 की जैसे ही क्रांति खत्म होती है तो उस टाइम अंग्रेजों का बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था दोस्तों, तो ऑब्वियसली बात है कि अंग्रेज कैसे भरपाई करेंगे, तो अंग्रेजों को एक साधन दिखा कि लोगों में है हर जगह का कर लगा दो आप, पता नहीं कितने कितने 80, 85, 84, 100, 200 कर लगा रखे थे, और इन कर में भी 225 अलग से कर रहते थे, घर बैठो तब भी कर, काम करो तो ज्यादा कर, मतलब नहीं करो तो कर, दास बना दो कुछ भी आगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो पर्टिकुलर इनका टारगेट था अंग्रेजों का राजाओं से, राजाओं का जागीरदार से, जागीरदारों का किसानों से। तो जो जागीरदार रहते थे, जो क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि एक प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, ये ठिकाने वो करता था, एक श्रेणी के नाम दिए करते थे, जैसे मान लो कोई ए श्रेणी का ठिकाना है, कोई इसके बाद ए श्रेणी का है फर्स्ट, यानी कि ए का मतलब फर्स्ट श्रेणी का, कोई सेकंड श्रेणी का ठिकाना है, कोई थर्ड श्रेणी का ठिकाना है, तो ये ठिकाने हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे दोस्तों, ठिकाने हुआ करते थे। तो यहाँ पर दोस्तों जागीरदार होते थे, यानी कि ठाकुर होते थे, ठिकानेदार होते थे, तो ये जनता को कर लिया करते थे, तो ये बढ़ते चले गए, बढ़ते बढ़ते दोस्तों एक अति हो जाती है किसी भी टाइम, एक मान लो कर ले रहे हैं, जनता दे भी रही है, कोई बात नहीं, चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए देना पड़ता है, अभी भी दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, लेकिन मान लो मुकेश अंबानी से दोस्तों कोई टैक्स इतना लेने लग जाए कि मुकेश अंबानी ये बोल दे कि यार ये तो अमीरों के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई मान लो जैसे मीडियम लोग है और गवर्नमेंट जो है मीडियम लोगों से इतना कर लेने लग जाए, तो ये मीडियम लोग समझने लग जाए कि हमारे पास हमारे साथ क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, हमारा अत्याचार हो रहा है हमारे साथ, हम ये सहन नहीं करेंगे, उत्पीड़न, बिल्कुल हमारे को उत्पीड़ित किया जा रहा है, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, बिल्कुल गरीब लोग हैं दोस्तों, अगर उनसे आप कर लेने लग जाओगे, टैक्स लेने लग जाओगे, तो दोस्तों क्या होगा, एक आंदोलन होगा, यानी कि निम्न लोग के आंदोलन करेंगे, फिर मीडियम लोग के भी आंदोलन करेंगे, फिर अमीर लोग भी आंदोलन करेंगे, एक सीमित मात्रा में, सबकी एक लिमिट रखी गई है कि इसको इतना कर देना है, इसको इतना कर देना है, अभी तो ये सिस्टम चला हुआ है, लेकिन उस टाइम अंग्रेजों के टाइम, राजाओं के टाइम, जागीरदारों के टाइम, ये सब व्यवस्था नहीं थी, जिससे चाहे जितना मर्जी पड़े जो कर लगा दिया, जबरदस्ती के कर लगा दी, तो इससे क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेज जो किसान भाई थे वो परेशान हो गए। अब इन्होंने क्या करा, एक लीडर आया दोस्तों, हर एक आंदोलन में दोस्तों आपको एक लीडर मिलेगा जो इनका नेतृत्व करता है, यानी कि इनको आगे ले जाता है, एक जोश बनता है कि किसानों में कि जोश बढ़ता है और आता है और इनका लीडर करता है दोस्तों, और अपनी बात कहाँ पहुंचाता है, जागीरदार से खुल के बात करने का तरीका बताता है, ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें अपन पढ़ने वाले। दूसरी बात कि जो जो भी आपको पता होगा, जो जो भी आंदोलन हुए, मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, तभी समझ में आएगा आपको किसान आंदोलन क्या है एक्चुअल में, ठीक है दोस्त। तो क्या होता था दोस्तों कि जो भी आप किसान आंदोलन देखोगे, कोई से भी, बेंगू का किसान आंदोलन हो, बूंदी का किसान आंदोलन हो, बिजोलिया का किसान आंदोलन हो, या फिर सीकर का किसान आंदोलन हो, वगैरह वगैरह, जितने भी किसान आंदोलन हुए हो, आपको एक चीज देखने को मिली होगी
कि वहां पर एक पर्टिकुलर जाति ने विद्रोह किया है, एक पर्टिकुलर जाति ने आंदोलन किया है। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, जैसे ये राजस्थान है तो अपन बात करें जैसे सिरोही में, कि यहाँ पर सिरोही में कौन सी जाति निवास करती है, तो दोस्तों बिल्कुल गरासिया जाति निवास करती है। तो गरासिया जाति के यहाँ पर आंदोलन करेंगे, कौन सी जाति के आंदोलन करेंगे। जैसे बिजोलिया की बात करें, बिजोलिया में कौन सी जाति निवास करती है, तो धाकड़ जाति निवास करती है। कौन सी जाति दोस्तों? धाकड़ और जाट लोग, ये मेवाड़ के लोग, मेवाड़ में। ठीक है दोस्तों। अब भरतपुर में, सेकाउटी में दोस्तों अपन बात करें तो यहाँ पर जाट लोग ज्यादा है, तो जाट जाति निवास करती है। तो यहाँ पर आंदोलन कौन करेगा? जाट जाति। अब जैसे अपन भरतपुर की बात करें, भरतपुर में दोस्तों कौन जाति निवास करती? मेव जाति निवास करती है। तो यहाँ पर मेव जाति के लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? आंदोलन करेंगे। इस तरह से आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको अभी सम इम्पोर्टेंट चीजें समझाने के लिए आपको दिमाग में आप बैठा सके कि मैं अगर किसी को पढ़ाऊं या फिर हम किसी को समझाएं तो कि आंदोलन क्या होता है और किस तरह से ये राजस्थान में एक आंदोलन निकल के आता है, किसान क्यों आंदोलन करते हैं, ये मेन कारण मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरी हर क्लास में आपको डिटेल से क्लासें मिलेगी। बिल्कुल दोस्तों, मैंने आपको बोला ना, आप मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी जीरो बनकर पढ़ा करें और मैं भी दोस्तों आपको जीरो से, क्योंकि मैं तो जो पढ़ाऊंगा ना वो बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। बेकार की बातें दोस्तों, अभी बोल रहा हूं मैं बेकार की बातें। मैं डायरेक्ट शुरू कर सकता था किसान आंदोलन और पहला किसान आंदोलन लिखो दोस्तों, बिजोलिया का किसान आंदोलन। क्या दिक्कत है मेरे को बताने में? नहीं बताऊंगा तो भी आप क्या बोलोगे? आप कहोगे ठीक है सर, बिजोलिया किसान आंदोलन से क्वेश्चन आते हैं, चलो बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों वो रटना हो गया। क्या हो गया? रटना हो गया। रटना नहीं है अपन को, कभी भी किसी भी चीज को रटो मत दोस्तों। बार बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो। अगर आप बार बार पढ़ोगे ना तो वो चीज क्लियर हो जाती है, रटना नहीं होता फिर वो। रटना क्या होता है दोस्तों? एग्जाम आ रहे हैं आपके, जैसे मान लो कोई एग्जाम है 1 महीने बाद, तो आप पढ़ रहे हो दोस्तों। अब पढ़ रहे हो कितने? 3 दिन पहले पढ़ रहे हो दोस्तों, तो एक्चुअल में वो रटना हो गया। आपको 3 दिन में कोई चीज समझ में कैसे आ सकती है, मुझे ये बता दीजिए आप। किसी चीज को समझने के लिए 200 वर्ष बीत जाते हैं, ऐसा बताते हैं एक्सपीरियंस। ये ऐसे ही नहीं बनी चीजें, तो ये सब बात की बात है। चलो, किसान आंदोलन आपको समझ में आया कि अंग्रेजों द्वारा, यानी कि अपन बात करें जागीरदार परेशान कर रहे थे, लेकिन उनपे कंट्रोल किनका रहता था? मेन टारगेट एक अंग्रेज रहते थे। ये सब कुछ अंग्रेजों के कहने से ही हो रहा था। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर अपन बात करते हैं कि अंग्रेजों ने, किसानों ने आंदोलन क्यों किए। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आए कि नहीं आए? मजा आ रहा है ना क्लास में दोस्तों? मजा आना चाहिए क्लास में, बस और कुछ आए नहीं आए, लेकिन क्लास एंजॉय पूर्ण होनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, अब किसानों पर क्या लगाए गए दोस्तों? कर लगाए गए, कर लगाए गए। जैसे अपन बात करें अन्य अन्य कर की बात करते हैं अपन, कि कौन कौन से कर लगाए दोस्तों। जैसे मान लो उन पर लगान लगाए जाते थे, लगान। आपकी एक मूवी आई थी दोस्तों, लगान, लगान लगे गए थे। अभी मैं डिटेल से भी समझा दूंगा आपको कि लगान क्या होता है। आपको मूवी पता है लगान, आमिर खान की मूवी आई थी, आपको पता होगा उसमें लगान लगते हैं। उसके लिए एक मैच होता है, जो मैच जीतेगा उसका लगान माफ कर दिया जाएगा, और अगर मैच हारेंगे तो और डबल चुकाना पड़ेगा और कुछ टाइम के लिए आपको लगान देना रहेगा। ठीक है दोस्तों, लाग बाग, इस तरह के कर लगाए गए, लाग बाग। ये भी क्या है दोस्तों? एक प्रकार का कर है। इसके बाद बेट बेगार वाला, इसके बाद बात करें दोस्तों बेट बेगार वाला, बेट बेगार, ये कर लगाए गए। लगान लगाया गया, लाग बाग लगाया, बेट बेगार लगाया। इसके बाद बात करें दोस्तों लाटा, लाटा एक और आता है, लाटा के बाद कूटा, लाटा कूटा कर। ये इस प्रकार के कर लगाए गए। अन्य भी कर रहते हैं दोस्तों, बहुत सारे कर रहते हैं, लेकिन जो मेन राजस्थान में जो टारगेट लेके जाने की, ये जो कर लगाए गए थे इनके कारण ही आंदोलन हुआ था दोस्तों। तो अब ये सब कौन कर रहा था दोस्तों? जागीरदार कर रहे थे। कौन कर रहे थे? जागीरदार द्वारा, जागीरदार, जागीरदार द्वारा लगाए गए कर। यानी कि जागीरदार किसानों को क्या करते थे दोस्तों? किसानों को, किसान भाइयों को उत्पीड़न उत्पीड़न अत्याचार, उनके शोषण किया जाता।
यानी कि जागीरदार दोस्तों क्या करते थे कि ये सब कर तो लगाते थे दोस्तों, और जागीरदार द्वारा उनको किसान भाइयों को क्या किया जाता था, उत्पीड़न किया जाता था, शोषण किया जाता था, क्योंकि बेचारे किसान पहले से ही गरीब है, और अब जो उनके खाने पीने का जो अनाज हो रहा है और आप उस पर ही बहुत सारे कर लगा दोगे तो बिल्कुल गरीब दयनीय स्थिति नहीं हो रही थी बोल किसानों की, मैं तो मरने की तगार पे आ गया था। और जो बिजोले में आपको पता होगा किसान आंदोलन जो हुआ था वो एक किसान की मृत्यु के उपरांत ही उभर के आया था, जब 1897 में ये निकल कर आया था बाहर, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये कर लगाए गए थे, जैसे लगान की बात करें दोस्तों तो आपको लगान को समझना नहीं है, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण कर है दोस्तों जो भू राजस्व से समझा जाता है, यानी कि भू राजस्व पर लगाया गया कर, भूमि पर जो कर लगाते हैं दोस्तों वो भू राजस्व, एक चीज आती है दोस्तों भू राजस्व कर, कौन सा कर है ये, भू राजस्व कर। लाग बाग की बात करें दोस्तों, लाग बाग क्या है दोस्तों, तो ये अनियमित कर है, अनियमित कर क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, ये तो है लगान भू राजस्व, यानी कि भूमि पर जो लगाए गए कर है भू राजस्व कर, आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि लगान क्या होता है, भू राजस्व कर यानी कि भू राजस्व पर लगाया गया कर कौन सा है, लगान है, जबकि अनियमित लाग बाग यानी कि लगान के बाद भी अतिरिक्त जो कर, मान लो जैसे कोई पशु पक्षी है उस पे जो कमाई हो रही है उसके कर लगा देंगे दोस्तों, वो कर आ जाएगा। यानी कि अगर अपन बात करें दोस्तों लाग बाग के, तो ये 29 प्रकार के होते थे, 29 प्रकार के लाग बाग के कर, अन्य कर बोल सकते हैं लगान के अलावा, लगान तो ले ही रहा है, उसके पास मान लो आमदनी है दोस्तों, वो कोई जीव जंतु से, पशु से, बकरी से वगैरह से, भेड़ से, भैंस से या गाय से जो उसकी आमदनी हो रही है दोस्तों, तो उस पर भी अतिरिक्त कर लगाया जा रहा था, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लाग बाग का कर बोला जाता है। समझ में आया कि यानी कि अनियमित बराबर लगाते रहते थे अनियमित तरीके से, जैसे मान लो किसी ने दूध ज्यादा दे दिया दोस्तों भैंस ने, तो वो ज्यादा कमाई होने लगी तो उसका कर भी बढ़ा देंगे दोस्तों, अनियमितता कभी भी चेंज होता रहता था, तो ये होता है दोस्तों लाग बाग का कर। अब एक और कर आता है दोस्तों, बेट बेगार वाला कर, बेट बेगार से आप समझते हैं जैसे दास प्रथा होती है ना, जैसे दास की तरह, मान लो कोई व्यक्ति है, कोई किसान है दोस्तों, गरीब है बिल्कुल, मान लो उसकी जमीन वगैरह से कोई आमदनी नहीं हो रही है, वो बिल्कुल बेट बेगार है, बिल्कुल बेगार बैठा हुआ है, घर पे बैठा हुआ है, फिर भी उस पर अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है, क्या लगाया जा रहा है दोस्तों, अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है, अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है। समझ में आया दोस्तों, लगान से पहले की बात करते हैं अपन, शुरू से मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, लगान की बात करी अपन ने, लगान कौन होता है, तो आपको लगान को समझना है दोस्तों कि भू राजस्व, यानी कि भू राजस्व पर जो कर लगाया जाता है वो एक लगान है। आपने मूवी में देखा होगा दोस्तों कि वहां के पूरे जो किसान रहते थे, वहां की जो पूरी जनता रहती थी, उन पर लगान रहता है किसी ने किसी चीज का, ठीक है दोस्तों, तो वो चुका नहीं पाते हैं, तो भू राजस्व हर जगह का लगान कहलाता है, ठीक है दोस्तों। लाग बाग क्या होता है, लाग बाग अतिरिक्त अनियमित कर, यानी कि इसके अलावा भी जो अतिरिक्त कर लिया जाता है उसको बोलते हैं लाग बाग, और मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। बेट बेगार यानी कि दास प्रथा, यानी कि दास प्रथा जैसी स्थिति हो रही है किसी व्यक्ति की, वो घर पे बैठा है दोस्तों बिना कोई काम किए, वो फिर भी उस पर अतिरिक्त कर लिया जा रहा है उससे, यानी कि उसको उत्पीड़न किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, वो कर पे कर लगाए जा रहे हैं उससे, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, बेट बेगार कर। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? क्लास में कोई भी चीज, अगर आपको किसी भी चीज से संबंधित कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं, वो चीज आपको क्लियर की जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में, एक बार फिर से सुनना, किसान आंदोलन के बारे में अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। किसानों पर आंदोलन, किसानों ने क्यों आंदोलन किया, क्योंकि उन पर दोस्तों उत्पीड़न हो रहा था, शोषण हो रहा था, उनका अत्याचार किया जा रहा था, किन के द्वारा, जागीरदार के द्वारा, और ये जागीरदार किन के कहने पर, राजा के कहने पर, और राजा किन के कहने पर, ये सब अंग्रेजों पर, क्योंकि लीडर्स कौन था, सबसे बड़ा कौन था, अंग्रेज थे, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो जागीरदार ने क्या किया दोस्तों, जब 1880 के समय की बात आती है तो उस टाइम बहुत सारे एकदम से कर निकल के आए, क्योंकि दोस्तों अंग्रेज चाहते थे कि जो नुकसान भरपाई जो सब कुछ हुए, तो आमदनी इनको देखा इन्होंने कि यार ज्यादा कौन कमा रहा है, तो उन पे कर लगा दो, ये तो लगा दो, जो नहीं कमा रहा फिर भी कर लगा दो, यानी कि कुल मिला के लूटपाट स्थिति हो रही थी। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन पे अन्य प्रकार के कर लगाए, जैसे लगान लगाया, लाग बाग का कर लगाया, बेट बेगार कर लगाया, लाटा कूटा कर लगाया, तो ये मैंने आपको तीन चीजें समझा दी। अब बात करते हैं अपन लाटा कूटा पद्धति पर। ये दोस्तों एक प्रथा, मान लो जैसे कोई प्रथा है, ठीक है, लाटा कूटा, जिसमें दो वर्ड है, एक लाटा है, कूटा है। कूटा की बहुत सी जगह आपको कहीं कुंदा भी नजर आ गया तो भी एक ही बात है दोस्तों, कूटा नजर नहीं आए, कुंदा नजर आए तो भी एक ही बात है, उसको समझ जाना। लाटा कूटा या लाटा कुंदा, ठीक है दोस्तों। लाटा की बात करें अपन, देखना इधर, लाटा क्या होता है, लाटा होता है दोस्तों, मान लो कोई ये फसल है आपकी, ये फसल है, ठीक है दोस्तों, आपने फसल उगाई, अब फसल उगाई दोस्तों, अब इनको फसल को काट दिया, काट के इकट्ठी हो गई,
ठीक है दोस्तों, ये इकट्ठी कर ली। अब ये ट्रैक्टर आया दोस्तों, ट्रैक्टर में आपने इसे निकाली और ये इकट्ठी हो गई, यानी कि ये गेहूं जो है इकट्ठे हो गए। मान लो गेहूं की फसल है और ये गेहूं इकट्ठी हो गई। अब अंग्रेज भाई साहब आएंगे, अंग्रेज भाई साहब कौन किसको भेजेंगे, जागीरदार को भेजेंगे, और जागीरदार भेजेंगे और इसके दो हिस्से कर देंगे, यानी कि किसान को मान लो 30% हिस्सा दिया और इसका किसको दिया, जागीरदार, कितना 70%, यानी कि 30% तो किसान लेके चले जाएंगे और 70% कौन लेके चले जाएंगे, जागीरदार लेके चले जाएंगे। यानी कि देखो आप कि बंटवारा कौन कर रहा है, जागीरदार कर रहा है, जमीन किसकी, किसान की, पैसा किसका लग रहा है, किसान का लग रहा है, मेहनत कौन कर रहा है, किसान कर रहा है, और यहाँ पर फायदा कौन लेने आ जाते हैं दोस्तों, जागीरदार लेने आ जाते हैं। तो दोस्तों ये उत्पीड़न ज्यादा हो रहा था, पहले कम था, किसान संतुष्ट थे कि कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर रह रहे हैं उसका कर लगा देते हैं। तो बाद में क्या हुआ दोस्तों, ये बढ़ता चला गया और बढ़ते दोस्तों क्या हुआ, इसका बड़ा हिस्सा जो इस, मान लो ये फसल है, फसल को काटी और इसका एक ढेर आ गया दोस्तों, एक ढेर इकट्ठा हो गया और उसमें से जो बड़ा हिस्सा है वो कौन लेके चला गया, जागीरदार लेके चला जाएंगे, और जो छोटा हिस्सा है वो कौन रखेगा, किसान रखेगा। तो इससे क्या होगा, किसान परेशान हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, लाटा पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है, लाटा पद्धति। ये मैंने आपको समझाया लाटा पद्धति, ठीक है दोस्तों, सभी को समझ में आ रहा है लाटा पद्धति क्या है, सभी को क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों लाटा पद्धति कर क्या होता है। तो ये एक कर है दोस्तों, और ये जो कर है इससे परेशान थे किसान, ठीक है। इसके बाद आता है कुंदा, ये दूसरा, इधर देखिए आप, कुंदा क्या होता है, कूटा पद्धति क्या होती है, ये होती है दोस्तों, मैंने वहां पर फसल की बात करी, ये फसल खेत है दोस्तों, मान लो ये खेत है, ये फसल उग गई, ठीक है दोस्तों, ये फसल उग गई। अब फसल उग गई, अब इसको काटा नहीं, इसको क्या नहीं किया, काटा नहीं है दोस्तों, और यहीं पर जागीरदार आ जाएंगे और फसल जैसे ही हरी भरी हो जाएगी, सावन आया दोस्तों, बिल्कुल पानी बरसा, मेघ बरसे और फसल वो है हरी भरी हो गई, क्या हो गई, हरी भरी हो गई। तो हरी भरी हो गई दोस्तों, फसल जैसी अच्छी दिखने लगी कि कटने ही वाली है, इससे पहले जागीरदार आ जाएंगे और दोस्तों इसके भी क्या कर देंगे, दो हिस्से कर देंगे, यानी कि ये 30% तो किसान का और ये 70% किसका हो जाएगा दोस्तों, जागीरदार का हो जाएगा। ये पहले कम था, ये बढ़ा दिया गया बाद में, और 70-30 का रेशो मान सकते हो आप। इससे भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, किसान परेशान हो जाएंगे, उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेहनत, जमीन किसकी, मेहनत कौन कर रहा है, ये सब तो देखा ही नहीं जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों ऐसे मुंह उठा के आ जाते हैं और ले जाते हैं हमारी। तो इससे क्या होगा दोस्तों, किसान परेशान हो जाएंगे, और किसान एक पर्टिकुलर, अब जाति का जो मतलब मैंने आपको बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि पिछले टाइम पर दोस्तों, अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर एक पर्टिकुलर एक जाति निवास करती है, कि ये भरतपुर में मेव जाति निवास करती है, तो वहां पर ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पर हर जाति, हर किसान आंदोलन में एक जातियों ने आंदोलन किया है, तो आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों, बिजाल किसान आंदोलन में कौन सी जाति ने आंदोलन किया था, बिल्कुल आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों, धाकड़ जाति ने आंदोलन किया था। भरतपुर के किसान आंदोलन में किस जाति ने आंदोलन किया था, आपको मेव जाति आंसर आना चाहिए। सिरोही में बात करें अपन किसान आंदोलन की, तो सिरोही में किसने किया था, गराशियों ने जो आंदोलन किया था, ठीक है दोस्तों, भील है वहां पर, गराशी है, ये लोग सिरोही में निवास करते हैं। सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों, सभी को क्लियर हो रही है। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं जो अंग्रेजों द्वारा, जो जागीरदार द्वारा, जो ठाकुरों द्वारा जो कर लगाए जा रहे थे, उन कर की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारे कर आपको लिखे गए हैं, लगान लगाए गए हैं। लगान क्या होता है, भू राजस्व, एक आप एक वर्ड समझ सकते हो, भू राजस्व। दूसरे की बात करें अपन लाग बाग की, लाग बाग मैंने बता दिया, अनियमित कर। इनके अलावा भी जो अनियमित कर, अतरीके से जो कर लगाए जाते थे दोस्तों, आमदनी कहीं से भी आ रही हो उसमें अतिरिक्त कर, ठीक है दोस्तों, वो होता है बेट बेगा, फालतू आदमी बेटे है फिर भी कोई काम नहीं कर रहा, रोजगार नहीं है, सब कुछ नहीं है, दास प्रथा की जैसी स्थिति हो रही है, उससे कोई काम करवा रहे हैं दोस्तों, जागीरदार अपने पास रख रहा है उसको, बेवजह फ्री में काम करवा रहा है दोस्तों, महीने भर तक उसके पास रख रहा है, अगर तू ये नहीं दे सकता तो यहाँ पर काम किया कर, ऐसी इस तरह की चीजें, लाटा खुटा पद्धति। इसके बाद लाटा मैंने आपको समझाया, कोई फसल होगी, फसल को काटा, एक ढेर निकल गया, और ढेर में से जो बड़ा हिस्सा है वो कौन लेके जाएगा, जागीर लेके जाएगा, और जो छोटा हिस्सा है वो कौन रखेगा, किसान रखेगा। इसके बाद पद्धति आती है कूटा पद्धति। कूटा पद्धति क्या होती है दोस्तों, फसल उगी, फसल को काटा नहीं, फसल को क्या नहीं किया, काटा नहीं, और फसल जैसे हरी भरी हो जाती है दोस्तों, इस समय जागीर आ जाते हैं, और जागीर उस फसल में से ही दोस्तों वहीं पर उनका परसेंटेज ले लेते हैं, यानी कि वहीं पर आधा हिस्सा कर देते हैं, और जो बड़ा हिस्सा है वो कौन रखेगा, जागीरदार रखेगा, जो छोटा हिस्सा है वो कौन रखेगा, किसान रखेगा। और यही कारण रहता है दोस्तों कि जब ये इतना ज्यादा हो जाता है, अति हो जाता है, तो दोस्तों इससे किसान परेशान हो जाते हैं और एक आंदोलन आ जाता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया सभी को, क्लियर है कि नहीं है, अभी तक जो मैंने मैटर आपको बताया है, जो मैंने आपके मैटर के बारे में बात की है,
अगर इसमें से आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो या कोई चीज आपको क्लियर नहीं हुई हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आया सभी को? सभी को गुड आफ्टरनून, जो जो ऑनलाइन आ चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून। जो नए बच्चे आए दोस्तों बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। शेयर करेंगे दोस्तों अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पेज पे, आप जो भी यूज करते हैं दोस्तों जहां पर शेयर का ऑप्शन आता हो वो शेयर दबा दिया करें बिल्कुल, आप शेयर की तरह काम किया करें बिल्कुल, तभी मजा आता है दोस्तों। यहाँ पर आपको पता होगा दोस्तों जो क्लासे लगी हुई है बिल्कुल फ्री क्लास है, आपसे क्या मांग रहे हैं, बस थोड़ा सा शेयर करने के लिए बोल रहे हैं। आपको बहुत अच्छा मैटर दिए रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छा मैटर आपको दिया जा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। अगर कोई पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये आपके किसान आंदोलन क्यों हुआ उसका मैंने एक कारण बताया था आपको, सभी राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए उसके कारण की अपन ने बात की है अभी तक। समझ में आया? ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। मिटा दो दोस्तों, चलो देखो इधर। अब बात करते हैं दोस्तों मेवाड़ किसान आंदोलन की। पहला डालता हूं दोस्तों मैं यहां पर मेवाड़ किसान आंदोलन। पहली बात तो दोस्तों ये जो किसान आंदोलन अपन बात कर रहे हैं, आंदोलन कैसे हुए, ये जब किसान एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, तो सारे किसान मिलकर क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, अंग्रेजों के प्रति क्रांतिकारी ला देते हैं, एक आंदोलन खड़ा कर देते हैं, एक विद्रोह करते हैं, ये सारी चीजें होने लगती है जागीरदार के प्रति। अब यहां पर बात कर रहे हैं अपन मेवाड़ किसान आंदोलन की। देखो समझने वाली बात, समझना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं। अब आपने पढ़ा होगा दोस्तों, अभी तक जिसने पढ़ा है उसने पढ़ा है कि पहला जो राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था वो कौन सा था, बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा है दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन। कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? ये प्रारंभ हुआ था 1897 में, क्योंकि 1894 में दोस्तों जो किशन सिंह है वो गद्दी पर बैठता है, जागीरदार बनता है और इन पर कर लगाना शुरू कर देता है। 1897 में एक किसान गंगाराम की मृत्यु हो जाती है और उसकी बैठक होती है और वहां पर बैठक में दो व्यक्ति खड़े होते हैं और वो आंदोलन कर देते हैं। यानी कि ये चीजें सारी होती है, जब बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन सब समझते हैं कि पहला आंदोलन किसान आंदोलन कौन सा था दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन था। बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर है, लेकिन दोस्तों ये जो आंदोलन था ये संगठित किसान आंदोलन था, संगठित प्रथम संगठित किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन था दोस्तों? प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं दोस्तों मेवाड़ किसान आंदोलन की, मैं आपको कहूंगा दोस्तों ये प्रथम आंदोलन था राजस्थान का। कौन सा? प्रथम आंदोलन। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि प्रथम आंदोलन कौन सा था दोस्तों, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? प्रथम आंदोलन मेवाड़ किसान आंदोलन था। कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? ये 22 जून 1880 को। कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1880 को। कोई नहीं पढ़ाता दोस्तों इसको, बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। 22 जून 1880 को ये आंदोलन प्रारंभ हो गया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लेते हैं कि प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा था, सभी को पता होगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, बिजोलिया का किसान आंदोलन। भीलवाड़ा में पड़ता है बिजोलिया, पहले मेवाड़ का एक क्षेत्र हुआ करता था, तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, ये आपका डाउट है ये मैंने क्लियर कर दिया है, अब आप कोई भी कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई चीज आपके दिमाग में नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं यहां पर मेवाड़ किसान आंदोलन की। किसकी बात कर रहे हैं? मेवाड़ किसान आंदोलन की। प्रथम आंदोलन, मैं बता रहा हूं इसको प्रथम आंदोलन ही है।
कब प्रारंभ हुआ था? 22 जून 1880 को। जबकि जबकि जो बिजोलिया का किसान आंदोलन है ये कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1897 में। यानी कि देख सकते हो आप इसमें गैप, ठीक है दोस्तों। ये होता है संगठित प्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया का, जबकि प्रथम आंदोलन कौन सा है दोस्तों? मेवाड़ किसान आंदोलन है, ठीक है दोस्तों। यहां पर भी एक जाति ने विद्रोह किया था, एक जाति ही आंदोलन करती है दोस्तों। आधार था इसका, अगर बात करें आधार क्या था दोस्तों, आधार कौन सा था? जातिगत। कौन सा आधार था दोस्तों? जातिगत इसका आधार था। शुरुआत कहां से हो जाती है? पर शुरुआत बात करें, शुरुआत आंदोलन की शुरुआत कहां से हो जाती है? मेवाड़ से, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? आप इसको लिख लीजिए जब तक शय वगैरह भर लेते हैं अपन। देखो इधर, मेवाड़ किसान आंदोलन की प्रथम आंदोलन था, 22 जून 1880 को प्रारंभ हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों मेवाड़ में ये आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था। तो मेवाड़ में दोस्तों एक रश्मि परगना है, यहां पर स्थान है दोस्तों रश्मि परगना में, एक मात्र कुंडिया। कौन सा स्थान है दोस्तों? जो चित्तौड़ में पड़ता है, मेवाड़ में भी। कौन सा? चित्तौड़। यह आंदोलन कहां हुआ था दोस्तों? आंदोलन अपन बात कर रहे हैं आंदोलन की। मेवाड़ का जो किसान आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था? चित्तौड़ में। चित्तौड़गढ़ में कौन सा स्थान? रश्मि परगना में। रश्मि परगना में कौन सा स्थान? मात्र कुंडिया नामक स्थान पर। यानी कि दोस्तों 22 जून 1880 को अंग्रेजों द्वारा या जागीरदार द्वारा जो किसान परेशान हो जाते हैं, यानी कि उनके कर अतिरिक्त कर बढ़ जाते हैं, तो उसके कारण वहां पर क्या हो जाता है? आंदोलन आ जाता है, किसान आंदोलन। आधार क्या होता है? जातिगत। हर जगह आपको जो भी राजस्थान में जो आपको आंदोलन मिलेंगे किसानों के, वो एक जातिगत रहेंगे। शुरुआत मेवाड़, लेकिन ये दोस्तों इतना संगठित नहीं हो पाया। एक पर्टिकुलर दोस्तों एक किसान के लिए ये आंदोलन खड़ा हो गया था, लेकिन संगठित नहीं हो पाया पूरे देश में। क्योंकि आपको पता होगा बिजोलिया का जो किसान आंदोलन था वो राजस्थान में प्रचलित नहीं था, बल्कि पूरे भारत में बिजोलिया किसान आंदोलन। अगर आप बंबई जाके भी बिजोलिया का नाम लेंगे ना किसी व्यक्ति से, तो बहुत समझ जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं आंदोलन चित्तौड़गढ़ में, मेवाड़ में। कौन से क्षेत्र में? चित्तौड़गढ़ जिले में। रश्मि परगना एक स्थान है, मात्र कुंडिया नामक स्थान पर, ठीक है दोस्तों। इसका आंदोलन का कारण, कारण की बात करते हैं अपन। अब कारण क्या था दोस्तों? वही भू राजस्व कर। भू राजस्व कर कौन सा कर दोस्तों? भू राजस्व कर के कारण ये जो कर लगाया गया, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों शासक कौन था। शासक अपन बात करते हैं कि शासक कौन था। शासक जिसके ये किया, सज्जन सिंह। क्या नाम था दोस्तों? सज्जन सिंह। क्या नाम था दोस्तों? सज्जन सिंह। अब दोस्तों बड़ी बात ये आती है यहां पर, समझने वाली बात ये है, समझना कि जो शासक था सज्जन सिंह, इसका एक पुत्र था दोस्तों, इसका पुत्र, उसका नाम था दोस्तों फतेह सिंह। लेकिन फतेह सिंह दोस्तों यहां पर बहुत छोटा रहता है, यानी कि वयस्क होने के कारण, यानी कि दोस्तों अपन बोल सकते हैं आपको अगर शासक आ जाता है, अगर ऑप्शन में फतेह सिंह भी आपको आ जाता है, तो क्योंकि शासक दोस्तों फतेह सिंह था उसका, लेकिन वो छोटा था इस टाइम। तो सज्जन सिंह मेन शासक आता है, सज्जन सिंह। आपके ये जो कंफ्यूज है, ये मेन आपका शासक आता है सज्जन सिंह, उसके पुत्र यानी कि फतेह सिंह के नेतृत्व में, यानी कि जब वयस्क था दोस्तों, इसने ये कर लगाया था। कौन सा? भू राजस्व कर। शासक की बात करें कौन? सज्जन सिंह। कर का कारण क्या था दोस्तों? भू राजस्व कर। फिर से देख लेना दोस्तों एक बार फिर से, क्या होता है दोस्तों मेवाड़ किसान आंदोलन। मेवाड़ में कहां पर किसान आंदोलन हुआ था? यह हुआ था चित्तौड़ में। चित्तौड़ में एक परगना है रश्मि परगना, वहां पर एक स्थान पड़ता है मात्र कुंडिया। मात्र कुंडिया आपको बोलते ही दोस्तों समझ में आ जाना चाहिए, मात्र कुंडिया कौन कहां है, मात्र कुंडिया का नाम कहां पर आता है दोस्तों? आपको बताइए मुझे जल्दी से, मात्र कुंडिया क्या है, किसकी गंगा बोली जाती है मात्र कुंडिया को? जल्दी से आपके आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। 22 जून 1880 को यह प्रारंभ हो जाता है,
इसका आधार क्या था? जातिगत। हर आंदोलन के एक आधार जातिगत ही करेंगे, क्योंकि हर एक स्थान पर एक जाति निवास करती है। शुरुआत मेवाड़ में होती है, यहीं से मतलब किसान आंदोलन की राजस्थान में जो शुरुआत होती है, क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कि कहां से शुरुआत होती है, तो कहां से होती है? मेवाड़ से शुरुआत होती है। शासक कौन थे? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह के नेतृत्व में यानी कि एक कर लगाया जाता है, भू राजस्व कर, और ये आंदोलन हो जाता है। अब इस आंदोलन का परिणाम क्या होता है? यहां पर परिणाम में बात करूं दोस्तों, तो कुछ भी नहीं निकलता दोस्तों। इस जो आंदोलन हो रहा था, इसका दमन कर देते हैं यहाँ के शासक, यहाँ के शासक, ठीक है दोस्तों, दमन कर देते हैं। यानी कि दोस्तों जुलाई के अंत तक, किसकी? जुलाई के अंत तक ये जो आंदोलन चल रहा था, इसको पूर्णतः खत्म कर देते हैं, ये आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद होता है दोस्तों बिजोलिया का किसान आंदोलन, ठीक है दोस्तों। आज जो मैंने आपको क्लास में बताया है, अगर इस क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो किसान, क्योंकि आज जो मैंने बात की है, अपन ने जो चर्चा की है, किसके बारे में ज्यादा बात करी है? किसान आंदोलन क्या है, किसान आंदोलन क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, किसने लगाया है, उनको किसने बोला, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से समझाई है, ठीक है दोस्तों। तो आज के किसान आंदोलन, प्रथम किसान आंदोलन का आंसर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है, तो मेवाड़ किसान आंदोलन। शुरुआत कहीं से होती है? मेवाड़ से ही होती है। कहां पर? चित्तौड़गढ़ के रश्मि परगना के एक मात्र कुंडिया स्थान में जो है, वहां के जो किसान रहते हैं, उन्होंने ये आंदोलन किया था। डेट आप याद रखेंगे 22 जून 1880, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन आए, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।